हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए उड़द दाल के पापड़ की रेसिपी लेके आई हूँ। तो पापड़ बनाने से पहले मैं आपको आटा बनाने की बता देती हूँ कि आप घर में आटा यदि बना के उड़द का और पापड़ बनाएंगे तो वो पापड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और लंबे समय तक वो पापड़ आपका ख़राब नहीं होगा। तो मैं आटा बनाई हूँ, पहले उड़द दाल ले ली हूँ, जितना भी आपको बनाना है उतना उड़द दाल ले लीजिए और उसे पूरे रात के लिए पानी में अच्छे से धो के और छोड़ दीजिए फूलने के लिए। पूरे रात जब उड़द अच्छे से फूल जाएगा तो फिर सुबह में उसे अच्छे से धो के और धूप में सुखा लें। जब वो अच्छे से सूख जाएगा तो फिर उसे मिक्सर जार में डाल के और एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लें। उसका पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगा। तो मैं वैसे ही आटा तैयार की हूँ। तो मैं 250 ग्राम आटा ली हूँ और इसका मैं आपको पापड़ बना के दिखाती हूँ। और इसमें बिना पापड़ खार का भी इतना अच्छा पापड़ फूल के तैयार होता है बेकिंग सोडा के साथ ही। और ऐसे जो बाज़ार के आटे में हम लोग बनाते हैं पापड़, तो वो उतना अच्छा फूलता नहीं है। तो एक चम्मच इसमें नमक डाल ली हूँ, जैसे कि पापड़ में नमक जितना रहता है उस अनुसार से आप जितना भी पापड़ बना रहे हैं नमक डाल लीजिएगा। और एक चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा मोटा दरदरा कुटा हुआ है, इसका जो पाउडर ज़्यादा पतला वाला बारीक वाला रहता है वो आप मत डालिएगा, थोड़ा सा दरदरा वाला इसमें काली मिर्च डालिए। और एक छोटा चम्मच हींग डाली हूँ, पापड़ में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा चम्मच जीरा डाली हूँ, तो जीरा को इस तरह से हाथ पे लेके और हल्का सही से इस तरह से रगड़ के उसके बाद डालिए, तो जीरा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उभर के। अब पापड़ का वीडियो, जब भी आप पापड़ बनाना चाहते हैं तो आप पहले अच्छे से वीडियो को देख लें, उसके बाद आप पापड़ बनाएं फ्रेंड्स, तो आपका पापड़ बहुत अच्छा बनके रेडी होगा। और मैं ये बेकिंग सोडा ली हूँ, तो मैं इसमें डाल के आपको दिखा दूँ जो कि आपको कठिनाई ना हो बनाने में। तो एक छोटा चम्मच है लेकिन मैं इसका आधा ही डालूँगी, तो आप मान के चलिए कि आप चुटकी से 2 से 3 चुटकी ही इस तरह से लेके आप इसमें डाल लीजिएगा। 2-3 पिंच जिसे बोला जाए आप इसमें डाल लीजिएगा और इसे पहले अच्छे से मिक्स करना है हाथ से। जैसे मैं आटा बताई आप उस प्रकार से ही उड़द का आटा तैयार करके बनाएंगे पापड़, तो आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा ये पापड़ की रेसिपी और जब आप बनाएंगे एकदम खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से मिक्स कर ली हूँ और जितना हमारा आटा है उसका आधा से थोड़ा सा कम पानी लगेगा, तो आप देख लीजिए छोटा वाला कप से 1 कप पानी ली हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इस आटे को लगाऊंगी और पानी ठंडा है, गर्म पानी नहीं है, मैं ठंडे पानी से ही इसे बना के दिखा रही हूँ, नॉर्मल पानी है। तो इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा सा डाल के और अच्छे से मिलाऊंगी। आटा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आप बारीकी से इसे पीस के और आटा छानने वाला छलनी से इसे अच्छे से छान के और रेडी कर लीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एकदम टाइट डो लगाना है, इसमें ज़रा सा भी पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे 1 कप पानी इसमें लग चुका है और थोड़ा सा पानी 2 चम्मच के करीब और लगेगा, तो मैं डाल दे रही हूँ। अब जब भी पापड़ का आटा लगाएंगे तो आप थोड़ा थोड़ा सा इस प्रकार से ही पानी देके आप आटा को लगाइएगा, आप समझ जाएंगे कि इसमें कितना पानी लगेगा। सो काहे तो बहुत कोई कम बनाते हैं ज़्यादा बनाते हैं, तो इतना ही टाइट हमें रखना है। और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसल के और इसे ढक के छोड़ दूँगी कम से कम 25 मिनट के लिए। अब मैं इसे ढक दे रही हूँ और 25 मिनट छोड़ दूँगी ढक के, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
तो देखिए फ्रेंड्स 25 मिनट छोड़ने के बाद 20 से 25 मिनट इसे ज़रूर आप छोड़िएगा। तो देखिए आटा का कलर भी चेंज हो गया है और आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अभी देखिए ये काफ़ी कड़ा है, तो इस आटे को मैं इस बोट पे रख ले रही हूँ। तो बोट में थोड़ा सा तेल लगा ले रही हूँ, देखिए 2 चम्मच करीब रिफाइंड तेल ली हूँ, बस इतना पूरा तेल पापड़ में लग जाएगा। और इस पे डाल के और इसे किसी भी भारी लोहे का कोई इस तरह का हो या कोई भी इससे ज़्यादा भारी हो उससे या बेलन से आप इसे इस तरह से कूट कूट के इसे एकदम सॉफ्ट बना लीजिए। तो वीडियो में तो उतना टाइम नहीं दिखा पाती हूँ फ्रेंड्स, तो आप समझ लेंगे कि इसे अच्छे से कूटना है। 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छे से कूट के इसे बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। आप सिलवटे पे भी इसे कूट सकते हैं। इसे आप जितने अच्छे से कूट के सॉफ्ट कीजिएगा पापड़ उतना ही ज़्यादा अच्छा बन के रेडी होगा। तो इस तरह से मैं इसे कूट के रेडी कर ले रही हूँ। जैसे जैसे आप कूटते जाएंगे पापड़ में हल्का सा लचीलापन आते जाएगा और देखिए डो सॉफ्ट होते जाएगा। तो इसमें बाद में आप पानी बिल्कुल मत डालिएगा, इस तरह से कूट कूट के मसल मसल के इसे तैयार करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा खिंचाव भी आ रहा है आटा में और आटा का कलर भी एकदम चेंज हो गया है, एकदम वाइट हो गया है। तो आप समझ लीजिएगा कि आटा तैयार हो चुका है। इस तरह से खींच खींच के इसे काफ़ी देर तक अच्छे से मसल के कूट के इसे आप तैयार कर लेंगे। और बीच बीच में हाथ में थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाते जाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। इस तरह से करके और जैसे हम लोग कपड़ा निचोड़ते हैं उस तरह से इसे निचोड़ निचोड़ के मिक्स करके आप जैसे इसे सॉफ्ट करना चाहते हैं जितना कूट के जैसे करके, लेकिन इसे काफ़ी देर तक मसल के आप आटा को तैयार करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई हूँ, आप पापड़ बनाएंगे तो ये सब स्टेप को आप ज़रूर करेंगे। अब मसलने के बाद इस तरह से मैं रोल कर ली हूँ पापड़ को, तरह से इतना ही मोटा आप रखिएगा तो आपका पापड़ परफेक्ट बन के तैयार होगा। ज़्यादा मोटा रखने से वो पापड़ काफ़ी बड़ा बड़ा बनेगा। तो इस तरह से मैं एक बराबर में रोल कर ली हूँ। अब मैं इसे पापड़ के लिए कट कर लूँगी, तो 1 इंच का टुकड़ा मैं काट लूँगी एकदम बराबर से। इतना साइज का कटिंग करने से पापड़ का साइज एकदम सही आएगा। तो देख लीजिए इस तरह से मैं सारे को कट करके रेडी कर लूँगी। कट करने के बाद मैं सारे को दूसरे बर्तन में डाल लूँगी और इसे ढक के रखूँगी। इसे ढक के रखना होता है, नहीं तो ये सूख जाता है बहुत जल्दी। और इसे इस तरह से लेके और सीधा इसे दबा दें, इसे गोल गोल नहीं करना है, सीधा इस तरह से दबा दीजिए। यदि इसे हाथ में लेके गोल गोल कीजिएगा तो पापड़ बेलने में वो काफ़ी फट जाता है। तो इस तरह से और मैं उसी उड़द के दाल में से थोड़ा सा, उड़द का बेसन जो बनाई थी उसमें से मैं थोड़ा सा रख ली हूँ। यदि आपके पास ये नहीं रह गया है तो आप इसे मैदा से या गेहूं का आटा के साथ भी लगा के इस तरह से आप बेल सकते हैं, क्योंकि पापड़ जब सूखेगा तो उसे कपड़े से साफ करके आप स्टोर करेंगे तो वो एक्स्ट्रा जो आटा लगा रहता है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से पापड़ को किनारे से बेलते हुए बड़ा करूँगी। पापड़ को किनारे से ही बेलिए तो पापड़ बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है।
तो इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आसानी से आप बेल लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पापड़ को काफ़ी पतला बेलना होता है। तो देखिए पापड़ को मैं बेल ली हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सुखा सकते हैं और नहीं तो इसे कटिंग कर लें, जो कि इसका किनारा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है वो सही आ जाएगा और पापड़ एकदम पतला बेल के हमारा रेडी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पापड़ कितना अच्छा पतला बेल के रेडी हो गया है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि इसे शेप कैसे देना है। आप चाहें तो इसे किसी इस टाइप के, आपके पास कटोरा होगा उससे आप काट लें, बड़ा है और ये छोटा है, तो आप जिस साइज का चाहते हैं उस साइज का इस पापड़ को कट करके रेडी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए और हल्का सा इसे दबा दें और इसके ये फालतू वाला जो है उसे इस तरह से हटा लें और पापड़ कट के एकदम गोल पापड़ रेडी हो जाएगा। और इसे भी मैं सुखा लूँगी पापड़ के साथ ही। आप चाहें तो इसे वापस से फिर से तोड़ के पापड़ बना सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सूख जाता है पापड़ बेलते बेलते, तो आप इसे ऐसे ही सुखा के फ्राई करके खा सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल पापड़ के जैसा ही होगा। और देखिए फ्रेंड्स पापड़ बनके हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको एक पापड़ और बेल के दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और सुविधा हो जाए। तो पापड़ को इस तरह से लेना है इसके लोई को और सीधा दबाना है, इसे गोल नहीं करना है। इस तरह से आप दबा दें और उसके बाद इसका पापड़ बेल लें, थोड़ा आटा लगा लें और आराम से इसे पापड़ बेल लें। आप मैदे में भी लगा के इसे बेल सकते हैं और किनारे से बेलते हुए पापड़ को बड़ा करें। देखिए पापड़ बड़ा हो चुका है। अब मैं इसे फिर से वापस से काट लूंगी। इसी तरह से मैं सारे पापड़ को बेल के और रेडी कर लूंगी और इसे पंखे के नीचे मैं डाल दी हूँ। मैं इसे पंखे के नीचे ही डाल के सुखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इस पापड़ को रात में बना रही हूँ तो बिल्कुल भी इसमें धूप नहीं लगाई हूँ और हमारा पापड़ बनके 4 से 5 घंटे में ही रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे पापड़ को डाल दी हूँ और इसका जो कटिंग है उसे भी मैं पापड़ के साथ ही डाल दी हूँ सूखने के लिए। तो 4 से 5 घंटे के लिए इसे पंखे के नीचे दोनों तरफ से उलट पुलट करके अच्छे से सुखा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स 4 से 5 घंटे होने के बाद मैं आपको पापड़ को दिखा रही हूँ। तो देखिए इस प्रकार का हमारा पापड़ सूख के रेडी हो गया है और ये पापड़ खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप जब इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा धूप ज़रूर दिखा दीजिएगा, और नहीं तो देखिए 5 घंटा में ही हमारा पापड़ बन के रेडी हो चुका है बिल्कुल खाने के लिए। तो चलिए मैं आपको तल के दिखाती हूँ कि पापड़ तलने के बाद कितना अच्छा से फूलता है और खाने में बहुत ही लाजवाब पापड़ बनके हमारा तैयार होगा। तो इस तरह से आप एक दूसरे पर इस तरह से पापड़ को डाल के और इसे किसी कंटेनर में रख के रख सकते हैं आराम से, और जब ये लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो बीच बीच में उस कंटेनर को धूप में डाल के और धूप लगा दें। पापड़ को अलग अलग करके धूप में नहीं सुखाना है, आप जिस डब्बे में रखे हैं उस डब्बे को ही धूप में रख के थोड़ा सा धूप लगा दिया करें बीच बीच में, तो पापड़ ख़राब नहीं होगा। तो तेल गर्म है और देखिए डालते के साथ कितना अच्छा से ये फूल गया है। और मैं पापड़ भी आपको तल के दिखा रही हूँ।
तो देखिए पापड़ तलने में इसका साइज बड़ा हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी पापड़ बनके तैयार हुआ है। एक पापड़ मैं आपको और तल के दिखा रही हूँ। बिना पापड़ खार डाले इतना अच्छा पापड़ बनके रेडी हो गया है और वो भी बिना धूप के पंखे के नीचे। तो फ्रेंड्स बनके तैयार है हमारे उड़द दाल के पापड़, क्रिस्पी क्रंची पापड़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।